नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम है ऊंची उड़ान, जिसमें आज हम बात करेंगे कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस में एमए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे करें। हमारे साथ है अनुराग शर्मा, जो कि एक पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं, जो बेहतर तरीके से बताएंगे कि कैसे आप पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभा साक्षी में। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पॉलिटिकल साइंस मैं अगर आपने पढ़ाई कर रहे हैं तो किस तरह से आपके लिए आगे के क्षेत्र खुल जाते हैं? देखिए, पॉलिटिकल साइंस में स्पेशली अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप एकेडमिक्स में आगे जाना चाहते हैं, तो वो बच्चे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की है वो मास्टर्स में पॉलिटिकल साइंस को कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी। तो बेसिकली अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो यहाँ पे वर्सटाइल एरियाज आपके लिए खुल जाते हैं। आप पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप हॉनर्स हैं तो इसमें आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चूज़ कर सकते हैं, जो आगे चल के सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में या उस एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। आप इसके बाद साइकोलॉजी को चूज़ कर सकते हैं, वो एक अच्छी फील्ड आपके लिए हो सकती है। या फिर आप चाहें तो एरिया स्टडीज़ या इंटरनेशनल रिलेशंस में आप आगे मास्टर्स कर सकते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आगे रिसर्च की बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं। तो इन तीन एरियाज़ के साथ साथ आप पॉलिटिकल साइंस में ही डायरेक्टली मास्टर्स भी कर सकते हैं, जो कि भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड कराती हैं आप लोगों को। सर, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो बेहतर एमए की पढ़ाई कराती हैं? देखिए, अगर आप बेस्ट के फॉर्म में देखेंगे तो ऐसा भारत में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी अपने आप में बहुत अच्छे करिकुलम्स को कवर करती है और अपने स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को मेंटेन करती हैं। बट अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका नाम बहुत फेमस है भारत में, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो ये सारी यूनिवर्सिटी अपने इन कोर्सेज़ के लिए जानी जाती है। इसके अलावा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है जिसको आप चूज़ कर सकते हैं, जाधवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने करिकुलम्स के लिए जानी जाती हैं। और इन सब के जो एग्ज़ाम्स हैं वो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं, पास करते हैं, तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ में अपनी मास्टर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। सर, कौन कौन से कोर्स जो हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं इसमें? देखिए, अगर आप स्पेशली मैं बात करूँ तो हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद या BHU है, एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो एग्ज़ाम होते हैं। तो इनमें अगर आप पॉलिटिकल साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो MA इन पॉलिटिकल साइंस की अपॉर्चुनिटी है, MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आपके पास MA इन इंटरनेशनल रिलेशंस की अपॉर्चुनिटी है, MA इन एरिया स्टडीज़ जो है उसकी अपॉर्चुनिटी है, और एरिया स्टडीज़ के अंदर ही MA इन पॉलिटिक्स आता है जिसको आप लोग कवर अप कर सकते हैं। जी सर, तो ये जो MA करने का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इन बड़ी यूनिवर्सिटी में, तो इसका क्या सिलेबस होता है और किस तरह से इसकी तैयारी की जाए? देखिए, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के जो MA एग्ज़ाम हैं ये कंडक्ट होते हैं साल में एक बार, जो कि एकेडमिक ईयर में जून सेशन में या जुलाई में कंडक्ट होते हैं। बट इसी के साथ साथ कुछ यूनिवर्सिटीज़ कई बार दिसंबर में भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया करती थी पहले, जो कि अब बेसिकली JNU का एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ करता था, बट इस साल ऐसा नहीं हुआ, जून में ही एग्ज़ाम हुआ और नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है अगले साल होगा ये। तो अगर आप इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये कॉमन डाउट बच्चों का रहता है। बच्चे कहते हैं कि सर, हमने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन की है या हमने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन की है, तो क्या हम पॉल साइंस में मास्टर्स कर सकते हैं? तो मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ में पॉल साइंस में अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो दैट रिक्वायर्ड ओनली ग्रेजुएशन, ठीक है, वो स्पेसिफिक फील्ड नहीं देते। तो ऐसे में अगर आप प्रस्यू करते हैं इसको तो आप जो है एग्ज़ाम से गो थ्रू हो सकते हैं। और बट हाँ, यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप पॉल साइंस के मास्टर्स करना चाहते हैं तो जो एग्ज़ाम आएगा उसमें सिलेबस वो होगा जो पॉलिटिकल साइंस की ग्रेजुएशन में आता है, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि ग्रेजुएशन का मतलब है जो हमने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा है वो नहीं। अगर आप पॉल साइंस से मास्टर करना चाहते हैं तो पॉल साइंस की मास्टर्स की ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है यू हैव टू गो थ्रू विद इट, तो उस कंडीशन में आप एग्ज़ाम को के गो थ्रू होकर क्वालिफाई कर सकते हैं। सर, क्या पैटर्न होता है ये एग्ज़ाम का, जो मतलब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, क्या पैटर्न होता है इसका? देखिए, बेसिकली आप पॉलिटिकल साइंस के पूरे सिलेबस को पांच पार्ट में हमेशा हम बांट के देखते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा होता है
پولیٹیکل تھیوریز اینڈ اسی میں پولیٹیکل تھاٹس آتی ہیں جو کہ ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس ہوتی ہیں اور انڈین پولیٹیکل تھاٹس ہوتی ہیں. ہمارا سیکنڈ پارٹ جو آتا ہے دیٹ از کالڈ کمپیریٹیو پولیٹکس, ٹھیک ہے, تلناتمک راجنیتی ہم اس کو بولتے ہیں. تیسرا پارٹ آتا ہے پبلک ایڈمنسٹریشن, لوک پرشاسن کے نام سے آپ لوگ اس کو جانتے ہیں. اس کے بعد آپ انتراشٹریہ سمبندھوں کو پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل ریلیشن کو, اور آپ پڑھتے ہیں انڈین گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس کو, انڈین کانسٹیٹیوشن کیا ہے, انڈیپینڈنس اسٹرگل کیا ہے, ان سب چیزوں کو پڑھتے ہیں. تو موسٹ آف دی یونیورسٹیز جو بھارت میں پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کراتی ہیں ان کا یہ سلیبس کامن رہتا ہے. ایگزام پیٹرن کی میں بات کروں تو کچھ یونیورسٹیز سنگل فارم آف ایگزام کراتی ہیں جو کہ آبجیکٹیو ٹائپ ہوتا ہے. کچھ یونیورسٹی آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو کو مکس کر کے کراتی ہیں, جیسے کہ دو کوشچن سبجیکٹیو ہوں گے جہاں یو ہیو ٹو رائٹ دا آنسر, ریسٹ آف دی پارٹ جو ہوگا وہ آبجیکٹیو فارم میں ہوگا. اوکے سر, تو ان ایگزامس کو جیسے پاس کیے کرنے کے لیے کیا ترکیبیں ہیں, کیا ٹپس ہیں؟ آپ تو پولیٹیکل سائنس کے ٹیچر ہیں, تو درشک کو کچھ بتانا چاہیں کس طرح سے اس کو کریک کیا جا سکتا ہے. دیکھیے, ڈیفینیٹلی اگر آپ کسی بھی ایگزام کے پریپیئر کر رہے ہیں اسپیشلی پول سائنس میں, تو آپ یہ سمجھیے کہ ان ایگزاموں میں جب آپ پریپیئر کرنے جاتے ہیں یا آپ بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لیے, تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ کتنا ریلیونٹ ہے یا کتنا آپ کو پڑھنا چاہیے. کیونکہ جس ایگزام کے لیے آپ پڑھنے جا رہے ہیں, میں بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ ایگزام دے رہے ہوتے ہیں ایم اے انٹرنس اور بڑی بڑی کتابیں لے آتے ہیں یو پی ایس سی کی اور ان کو پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں, تو اس میں ان نیسسری چیزوں کو ایڈ آن کرنا ٹھیک نہیں ہے. آئی ہیو میٹ پرسنلی ود اے نمبر آف اسٹوڈنٹ جو کہ جے این یو کے ایم اے انٹرنس کے لیے پڑھتے ہیں, جو ہیں سول سروس کے لیے جو کتابیں آتی ہیں, جو نوٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں, ان کو پڑھنے وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو ان کو لگتا ہے کہ ہم زیادہ پڑھ رہے ہیں تو اپرچونیٹی زیادہ ہیں, بٹ وہ یہ نہیں جانتے کہ زیادہ پڑھنے کے چکر میں ایکچولی وہ اپنی ویلیوبل ٹائم کو اور ایفرٹس کو ویسٹ کر رہے ہیں. تو بیٹر یہ نہیں ہوتا کہ آپ زیادہ پڑھیں اور ڈیپتھ میں جا کے پڑھیں ہر چیز کو, بیٹر یہ ہے کہ آپ چیزوں کو کور اپ کریں اینڈ یو اٹیمپٹ کوشن آن دیم. لائک کہ اگر آپ نے جے این یو کے لیے پریپیئر کرنا ہے یا ڈی یو کے لیے پریپیئر آپ کر رہے ہیں, تو ان کے جو یونیورسٹیز کے سلیبس ہیں آپ اس کے گو تھرو ہو جائیے, جو سائٹ پہ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں اس کے گو تھرو ہو کے یو جسٹ نیڈ ٹو کور اٹ اپ. جی, دیٹ از مور دین انف. سر جیسے یہ چیزیں تو تب ہوتی ہیں, جیسے کئی بار ہوتا ہے کہ پیپر میں بیٹھے اور کہیں کا کچھ آ جاتا ہے, تو ایسے چیزوں سے نپٹنے کے لیے بچے اس طرح سے تیاری کرتے ہیں کہ یو پی ایس سی کی کتابیں, مطلب ایک اسٹوڈنٹ ہو کے میں نے بھی ایسی غلطیاں کی ہیں, تو میں اس لیے آپ کو بتا سکتی ہوں. اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ٹائم ٹیبل کیسے بنایا جائے تاکہ ساری چیزوں کو کم سمے میں جلدی سے کور کیا جا سکے. دیکھیے, ٹائم ٹیبل بنانے کے لیے آپ کو دو چیزوں پہ دھیان دینا پڑتا ہے. پہلا تو کہ آپ کا ایک ڈیلی روٹین کیا ہے, یا اگر آپ مان لیجیے آپ ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں جو کسی یونیورسٹی سے ریگولر اپنی گریجویشن کو اٹینڈ کر رہے ہیں, تو ایسے میں آپ کی پڑھائی کس چیز میں ہو رہی ہے. اگر آپ پولیٹیکل سائنس ہی پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے ایگزامس کے حساب سے اس کو پریپیئر کیجیے. فار ایگزامپل, ایسا کیا کیا ہے جو انٹرنس میں آنا ہے اور آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں یا آپ کور کرنے والے ہیں اس کو اپنے کریکولم میں, تو ان چیزوں کے بیچ میں ایک آپ بیلنس بنائیے. اپنا کتنا ٹائم آپ کو اسٹڈیز میں دینا چاہیے اس چیز کو میک شیور کیجیے. اگر آپ پول سائنس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, باقی کسی سبجیکٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ریگولر جا رہے ہیں کالجز, تو ایسے میں ٹف ہو جاتا ہے, بیکاز زیادہ تر جب جون میں انٹرنس ایگزام ہوتے ہیں اس سے تھوڑا دنوں پہلے ہی آپ کے خود کے سیمسٹر ایگزام ہوتے ہیں, تو بچوں کو لگتا ہے کہ وہ ایک ڈیڑھ مہینے کے گیپ میں پڑھ کے پاس ہو جائیں گے, بٹ ایسا نہیں ہے. ایسے میں ضرورت ہے کہ آپ ایک سے دو گھنٹہ روز اس سبجیکٹ کو دیں جس میں آپ ایم اے کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ پول سائنس ہو یا کچھ بھی ہو. اور نارملی وہ بچے جو کہ ریگولر ڈگریز نہیں کر رہے ہیں, کورسپونڈنس سے اوپن یونیورسٹی سے کر رہے ہیں, ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ سسٹمیٹکلی اپنے نوٹس کو پریپیئر کریں, ٹائم کو یوٹیلائز کریں اور دن میں دو سے تین گھنٹے ایٹ لیسٹ نکالیں, کیونکہ آپ کا سلیبس بہت واسٹ ہوتا ہے اور کسی بھی تھنکر کو پڑھنا, اس کو سمجھنا یہ بہت لمبا پروسیجر ہے. اٹ از ناٹ دیٹ مچ ایزی کہ آپ نے ایک تھورو ریڈنگ لی اور آپ کو چیزیں سمجھ میں آ. ٹیوشن وغیرہ لینا کتنا سہایک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, سمپل سی بات ہے کہ آپ کبھی بھی ایک رستے پہ چلتے ہیں, ایک مارک پہ چلتے ہیں, تو مارگ درشن ہمیشہ ایک اچھا فیصلہ ہوتا ہے. اور اگر آپ کو کوئی ایسا گرو مل رہا ہے جو آپ کو ایک اچھے مارگ درشن دے سکتا ہے, آپ کی ان نیسسری ایفرٹس کو, محنت کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کر سکتا ہے رزلٹ لانے میں, تو آپ ضرور ان کا سہارا لیجیے. آپ ٹیوشنس کو چوز کیجیے, کوچنگس کو چوز کیجیے, دیٹ از آلویز اے گڈ آپشن. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے بنا کوئی بچہ ایگزام کوالیفائی نہیں کر سکتا یا نہیں کرتے بچے,
बट हाँ, ऐसी परसेंटेज और ऐसे बच्चों के सक्सेस चांसेस कम होते हैं। हम आए दिन देखते हैं सिविल सर्विस में बच्चे टॉप करते हैं, और वो बच्चे बहुत कर्टसी के साथ सामने आते हैं और बताते हैं कि हमने इन टीचर्स की से पढ़ाई की, या इन्होंने हमें पढ़ाया, या इस इंस्टीट्यूटों से हम लोग पढ़े, तो वो एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि आप इनलाइटेड हों और उस इनलाइटमेंट में आप किसी गुरु का सहारा लें, तो वो कभी गलत नहीं होता। अर्जुन ने भी द्रोणाचार्य जी से धनुष चलाना सीखा था, तो वो एक हमेशा बेटर डिसीजन रहता है। जी सर, अभी पॉलिटिकल साइंस को लेके क्या डेट्स आने वाली हैं, कब एग्ज़ाम्स होंगे, इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, अगर रिसेंटली मैं बात करूँ तो जो बच्चे भी अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं जून में या मई में, जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, तो जून में जेएनयू का एग्ज़ाम आने वाला है, साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होगा, बीएचयू का होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन होंगे, आप इनके गो थ्रू हो सकते हैं, साउथ एशिया यूनिवर्सिटी के एग्ज़ामिनेशन होंगे, आप इन सब के गो थ्रू हो जाते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म जनवरी से आने स्टार्ट हो जाते हैं और अप्रैल तक मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो चुके होते हैं। फिर मई में आपके रोल नंबर वगैरह आ जाते हैं और जून के मिड में या लास्ट तक आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाते हैं, और जुलाई में फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आता है, एंड अगस्त वाले सेशन में आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ को। सर, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से आप एम ए एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं और अपना एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में, अगर आप पढ़ाई कर रखे हैं तो। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ।